बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा अर्चना पूरन सिंह ने इंकशाफ किया है कि इन्हें सास की मौत पर भी कहका लगाने का कहा गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना पूरन सिंह अपने कहकों के बाद शोहरत रखती हैं, इसी वजह से वो कपिल शर्मा शो का हिस्सा भी हैं, जहां इन्हें मुस्तकिल मेहमान की हैसियत से हर बात पर कहका लगाना होता है। हालिया इंटरव्यू में अपने काम को दुनिया का बेहतरीन काम करार देने वाली अदाकारा ने बताया कि बज़ाहिर लगता है कि मेरा काम बहुत आसान है, एक जगह आकर बैठ जाओ, हर बात पर हंसते जाओ। इस मौके पर इन्होंने इस काम के तल्ख पहलू से भी आगाह किया। इन्होंने अपने प्यारों की मौत का वक्त याद करते हुए कहा कि एक वक्त वो भी था जब मुझे सास की मौत की इत्तला मिली, लेकिन मुझे शो की शूटिंग के लिए सेट पर बैठ कर कहके लगाने थे। अर्चना पूरन सिंह ने तफसील बताते हुए कहा कि एक शो के किस्त की शूटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और अचानक सास की मौत की इत्तला मौसूल हुई। ये जानते हुए कि मुझे एपिसोड मुकम्मल करनी है, मैंने फौरन जाने का कहा, लेकिन शो की टीम ने मुझे कहा कि आप सिर्फ बैठ कर हंसे, हम इसे सीन के मुताबिक एडिट कर लेंगे। अदाकारा ने इस मुश्किल वक्त को याद करते हुए कहा कि आप उस वक्त खुद सोचें कि मेरे जहन पर क्या गुजर रही होगी, मेरी सास वफात पा चुकी थी, ऐसे में मुझे कैसे हंसी आ सकती थी, इस वक्त मैं किस तरह हंसी मुझे नहीं मालूम। इन्होंने कहा इस इंडस्ट्री में 30 से 40 साल हो चुके हैं और आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर का पैसा दांव पर लगा हुआ है और आपको काम अधूरा नहीं छोड़ना।